अच्छा हाँ, मेरी टीम कह रही है वो आपकी लव स्टोरी सुनाए ना, उन लोगों को सुननी है. अच्छा सुनो, लव स्टोरी इतनी पुरानी हो गई है, क्या हुआ यार? अब रिवाइव, पता है आपको बार बार वो सुनते रहना चाहिए दोबारा से, मतलब बार बार आपको वो ट्रॉमा याद करना चाहिए. बड़े अफसोस की बात है यार. सर कितने साल हो गए आप लोगों की शादी को? बस आप डिटेल ऐड करो स्टोरी में, हर दफा जिस नए चैनल पे जाएं गिव न्यू डिटेल, नेवर गिवन बिफोर, ऐड सम स्पाइस टू इट. ओह माय गॉड, ओके स्टार्ट, कोई डिटेल ऐड करें उसमें. आप प्लीज स्पाइस ऐड करें, आप जो पहले व्यूअर्स ने कभी नहीं सुनी हो, एग्जैजरेट करें कहानी को. ये आ गया कहानी बनाने वाला बच्चा, ये किताबें पढ़ते रहते तो वो नॉवल बना देगा पूरा. मिले थे कहाँ बताया, अम्मी अब्बू ने कहाँ मिले थे? होस्ट करते हुए, कंपेयरिंग करते हुए. क्या बात है ना, ये वाकई स्पाइस एक पता नहीं किसी को ना, कंपेयरिंग. लेकिन दोनों एक साथ कर रहे थे होस्टिंग, कौन से प्रोग्राम में थे ये नहीं पता. नहीं वो पहले म्यूजिकल शोज हुआ करते थे. अच्छा भाई मेरे को सीधी सीधी बात पता है, ड्रामे के सेट पे आरजू पे नहीं, सेट. नहीं नहीं नहीं, उससे पहले कंपेयरिंग करते थे. हाँ सही है, कंपेयरिंग करते थे ना पहले. हाँ जोरिन को यार मैं समझाओ यार, ये क्या यार. अच्छा फिर अहमद तुम्हें याद है फिर और क्या बताया उन्होंने? कंपेयरिंग करते हुए मिले थे, फिर किसने पहल की थी दोनों में एक दूसरे को प्रपोज करने के लिए? बाबा ने की थी, तो अभी वो पैकेज में भी दिखा रहे थे. बाबा ने की थी पहले, बाबा ने की थी. हाँ तो मामा फौरन मानी थी या नखरे दिखाए थे, क्या बताया था? खूबसूरत औरत भी थी, बहुत खूबसूरत लड़की भी थी आपके सामने, ऐसी बात है. ठीक है लेकिन मतलब दीवाने थे लोग इनकी आंखों के. सो तो हम क्या वो रस्ते पे पड़े हुए थे या किसी वो खैराती अस्पताल के बाहर थे? क्या मतलब क्या? तो फिर आगे बताएं ना क्या हुआ, कैसे मनाया? आगे ये हुआ, बाबा डिफेंसिव हुए आगे ये. हाँ यार अच्छा, इनको मनाने में थोड़ी मुश्किल पेश आई, थोड़ी ये फौरन मान गए. नहीं नहीं मैं तो आंखें सरे रा किए बैठी थी बस. ये आदमी यही शादी हो जाती है, सुनना चाहते हैं. देखो जो ये सुनना चाहते हैं मैं उन्हें सुना देती हूँ. बादशाह सलामत ने बस आए, जैसे ही वारिद हुए मैंने इनकी आंख क्या राह में आंखें बिछा दी. मैंने कहा जी जी बिल्कुल आइए, आप ही का तो इंतजार था. बस तब से अब तक यही कर रही हूँ. बस अब ये खुश रहेंगे, इनकी ईगो सेटिस्फाई हो चुकी है. अब अगला सवाल कीजिए. नहीं नहीं सच सच बताए ना. तुम जानती नहीं हो वडेरों को, तुम्हारा अपना मियाँ भी सिंधी है, तुम जानती नहीं हो. कसम से मुझे ऐसा लग रहा है ये मैं अपना इंटरव्यू खुद ले रही हूँ, है ना. मुझे आज ऐसा लग रहा है. मौका मिला ना जिंदगी में तुम्हारा और यासिर का, मैं जरूर इंटरव्यू है बदला लूंगा तुम लोगों से. आपको लगेगा बहुत अपना अपना सा, क्योंकि ऐसे ही इंटरव्यू होगा हमारा. कितने साल हो गए माशाल्लाह आपकी शादी में? पता नहीं, तो अगर यासिर भी होता तो वो यही जवाब देता. नहीं याद तो है, मैंने तो याद तो है इनको. हाँ बताइए. अच्छी तरीके से याद है इन्हें अपने दुख का वक्त इसको, वो यही. हाँ गिने 32 मिले हुए शादी. हाँ. को तो 30 हुए. हाँ, माशाल्लाह. अच्छा ये मैं पता कैसे याद है? लेकिन हम मियाँ बीवी नहीं है. हाँ. हम मियाँ बीवी पिछले 30 साल से नहीं है, हम दोस्त हैं. हाँ. अगर हम मियाँ बीवी होते तो अभी हम इतने साल गिन ना रहे होते. हाँ. यार ये बात तुमने कह दी ना, अब ये पता है वो गड़बड़ हो जाएगी, फिर वायरल हो जाएगा हम मियाँ बीवी नहीं. वो जैसे जोरेन को वो भाई उठा के ले गई थी, मैंने सिर्फ ये बात की थी. हाँ, आप ही के प्रोग्राम में था, पता नहीं क्या क्या जो वो, के शो पे उसको जोरेन को छोटा सा था, उसको जब जो हमारी घर में जो हेल्पर वो कितनी बात वायरल हो गई, कैसे उसका बेटा अगवा हो गया. मुझे यूएस में फोन आया लोगों के तुम अगवा हो गए थे. मैंने कहा नहीं, कह रहे नहीं तुम्हारे बाबा टीवी पे बोल रहे. मैंने कहा तो बहुत बचपन में हुए थे. मिनटों में ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान में पैसे भेजे, ना कोई ट्रांजेक्शन फीस, ना कोई एडिशनल चार्जेस. अभी डाउनलोड करें स्पीड रेमिट ऐप